हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और मेरे पास जो किताब आज है उसका नाम है द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ये कोई सिर्फ एक जुमला नहीं है जो आप यूजुअली किसी ओपोजिशन के नेता से सुनते हैं, लोकतंत्र की हत्या। एक्चुअली ये किताब बात करती है हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में। द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, हिटलर्स राइज टू पावर बाय बेंजामिन कार्टर हेट। अब इससे पहले इस किताब के बारे में मैं बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको इस किताब में क्या नहीं मिलेगा। इस किताब में नाजी जर्मनी में ज्यूस पर कितने अत्याचार हुए ये सब नहीं मिलेंगे। इस किताब में वर्ल्ड वॉर की कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी और ना ही इस किताब में आपको हिटलर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल उनकी जानकारी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आखिर इस किताब में है क्या अगर ये सब कुछ नहीं है तो इस किताब में आपको जवाब मिलेगा कि कैसे जर्मनी की एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी का फॉल हुआ और हिटलर कैसे एक डिक्टेटर बन गया। ब्रॉडली स्पीकिंग, हिटलर के राइज को लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, इन सब की हार माना जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त के पढ़े लिखे जर्मन्स ने अथॉरिटेरियनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को अपनाया, इवन व्हेन इट मेंट वायलेंस, इवन व्हेन इट मेंट हेट्रेड टुवर्ड्स फेलो जर्मन ज्यूज, विच लेड टू द बिगेस्ट जेनोसाइड इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो आज बात करते हैं द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की। अब बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन से। साल है 1918। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी और उनके साथ की कंट्रीज की हार होती है। इस हार की वजह से जर्मनी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 10% जर्मन टेरिटरी का लॉस, जर्मन आर्मी को डिसमेंटल करना और इस सब के अलावा वॉर का खर्चा पे करना जो था 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स, यानी उस जमाने के हिसाब से 33 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब 4 साल तक युद्ध करने के बाद जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत वीक थी और उसके ऊपर पेमेंट की कंडीशंस को मीट करना इम्पॉसिबल था। आज भी ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या ऐसी कंडीशंस जर्मनी पर थोपने की वजह से ही हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ और फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, ये सब आज भी डिबेटेबल है। खैर, उस जमाने में एक तो जर्मन इकोनॉमी की हालत खराब, ऊपर से वर्ल्ड वॉर हारने के बाद की जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल करना और लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट के चलते जर्मन सोसाइटी एज ए होल में अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ में आकर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करके वेमार रिपब्लिक स्टेट बनाई। वेमार रिपब्लिक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मन एम्परर जिनका नाम था विल्हेम टू ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी और जर्मनी को चलाने के लिए अब एक गवर्नमेंट की जरूरत थी। अब गवर्नमेंट तो बन गई लेकिन जर्मन्स, एक आम जर्मन नागरिक, वो खुश नहीं था क्योंकि एक तो खस्ताहाल इकोनॉमी और उसके साथ साथ कुछ हाइपर नेशनलिस्ट जर्मन्स भी थे जिनको ये लगता था कि जर्मनी एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत सकता था अगर एम्परर विल्हेम टू ऐसे गिव अप नहीं कर देते, ऐसे हार नहीं मान लेते तो शायद जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन जीत सकता था। ये हाइपर नेशनलिस्ट का मानना था और एडोल्फ हिटलर का भी यही मानना था। इनफैक्ट हिटलर वॉज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि जर्मनी में रहने वाले कुछ ज्यूज ने वॉर प्रॉफिटियरिंग की है जिसकी वजह से वो ज्यूज तो अमीर हो गए लेकिन एक आम जर्मन नागरिक इकोनॉमी का बोझ और वर्ल्ड वॉर हारने की कंडीशंस को फुलफिल करने का बोझ ये सब उठा रहा है। पॉपुलिस्ट रिजेंटमेंट की वेव को राइड करते हुए हिटलर ने अपने कैरिज्मेटिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का फायदा उठाया और जर्मन्स के अंदर ज्यूज के अगेंस्ट फियर, एंगर और प्रिजुडिस जैसे नोशंस भरने की कोशिश की। देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर वन हारने का ब्लेम ज्यूज के ऊपर आ गया। जर्मनी में रहने वाले ज्यूज को जर्मन लोग आउटसाइडर्स मानने लगे और जर्मनी की हार को एक इंटरनेशनल ज्यूइश कॉन्स्पिरेंसी तक करार दिया जाने लगा।
यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि इस टाइम जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन में ज्यूज सिर्फ 1% के करीब थे। खैर, हिटलर की नाजी पार्टी पॉपुलर होने लगी और फिर उसने वो किया जिसकी वजह से हिटलर को जेल जाना पड़ा। ये थी जर्मन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश। अब यहां आप ये याद रखिएगा कि हिटलर ये सब अकेले नहीं कर रहा था, उसके पास नाजी पार्टी थी और इस पार्टी का एक पैरामिलिट्री विंग भी था जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस में इन्वॉल्व रहता था। ये पैरामिलिट्री ग्रुप बेसिकली हिटलर की आइडियोलॉजी को मानने वाले जर्मन्स थे जो वायलेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। खैर, जब गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान फेल हो गया तो राजद्रोह के केस में हिटलर को जेल हो गई। हिटलर ने अपनी बायोग्राफी मैन कैम्फ, उसका जो भी प्रोनंसिएशन है, वो जेल में ही लिखी थी। 9 महीने बाद दिसंबर 1924 में हिटलर की जेल से छुट्टी हो जाती और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। काम वही है, नाजी पार्टी को बिल्ड करना और ज्यूज के अगेंस्ट नफरत फैलाना। अब चलते हैं 5 साल आगे, साल है 1929। वर्ल्ड वॉर वन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जर्मन इकोनॉमी इज स्टिल स्ट्रगलिंग, लेकिन और भी ज्यादा बुरा वक्त आने वाला था। 1929 अक्टूबर में यूएस मार्केट क्रैश हो जाता है और स्टार्ट होता है द ग्रेट डिप्रेशन। जिन अमेरिकन बैंक्स ने जर्मनी में इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं। ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मन इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया और वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद जो पैसा जर्मनी को देना था वो भी आपको याद ही होगा। हिटलर पॉलिटिकली एक्टिव तो था ही और अब उसने जर्मनी के ग्लोरियस पास्ट की बातें करना स्टार्ट कर दी थी। 1930 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए। जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग या राइश्टैग, जो भी उसका सही प्रोनंसिएशन है वो आप देख लीजिएगा, तो वहां के इलेक्शंस हुए। जर्मन पार्लियामेंट में वोट्स के प्रोपोर्शनेट पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता था, मतलब जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट उस पार्टी को उतनी सीट्स। हिटलर की नाजी पार्टी ने 1930 में 18% वोट्स हासिल किए। दो साल पहले नाजीज को सिर्फ 3% वोट मिले थे, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के चलते बहुत से वोटर्स स्विच हो चुके थे टू द नाजी पार्टी। खैर, इस इलेक्शन रिजल्ट का मतलब ये था कि पार्लियामेंट में 18% सीट्स नाजीज की हो गई। प्राइम मिनिस्टर या चांसलर, जर्मन चांसलर बनने के लिए पार्टीज को एक कोएलिशन करके मेजॉरिटी प्रूव करना थी। अब 18% वाली नाजी पार्टी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हिटलर के लिए प्राइम मिनिस्टर या चांसलर बनना अभी एक सपना ही था। 1932 में होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर या चांसलर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और उसका भी इलेक्शन होता है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ये दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रखते हैं। हिटलर ने 1932 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फाइट मारी, लेकिन वहां भी उसकी कुछ दाल एक्चुअली गली नहीं। पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने इस इलेक्शन में हिटलर को हराया और वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए। हिंडनबर्ग एक्चुअली 1925 से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते आ रहे थे। फिर भी हिटलर को इस इलेक्शन में 36% वोट्स मिले, जो ये बताता है कि काफी लोग नाजी पार्टी और हिटलर के फेवर में थे। इधर पार्लियामेंट की हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि पार्टीज मेजॉरिटी बना नहीं पा रही थी और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली थी। चांसलर कहा जाता है जर्मनी में, तो चांसलर की पोस्ट खाली थी। मई 1932 में फ्रांस वॉन पैपेन चांसलर बने, लेकिन वो सिर्फ नवंबर तक ही चांसलर रह पाए। उसके बाद दिसंबर में कर्ट वॉन श्लाइचर या स्क्लाइचर चांसलर बने, लेकिन जनवरी 1933 आते आते उन्हें भी स्टेप डाउन करना पड़ा। एक्चुअली एक फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट चलाना पैपेन और श्लाइचर के बस की बात नहीं थी। जनवरी 1933 में जर्मनी का हाल कुछ यूं था कि 1932 में 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने के बावजूद कोई चांसलर या प्राइम मिनिस्टर नहीं था। कोएलिशन की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि नाजी अब एक बड़ी पार्टी थी
और इस पार्टी को हिटलर की चांसलरशिप से कुछ भी कम मंजूर नहीं था, तो ये किसी के साथ कोलिशन नहीं कर रहे थे। इकोनॉमी अभी भी बेहाल थी, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ज्यादा था। नाजी पार्टी का जो पैरामिलिट्री विंग था, वही वायलेंस करने वाले वॉलंटियर्स, वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिटिशियंस पर अटैक हो रहे थे, उन्हें धमकाया जा रहा था, और ज्यूज के अगेंस्ट जो नैरेटिव था, जो हेट्रेड था, वो तो अपनी जगह था ही। हिंडनबर्ग को लगा कि इस माहौल में, हिंडनबर्ग वही प्रेसिडेंट, उनको लगा कि उनकी खुद की जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। इस डिसीजन की वजह से दुनिया की हिस्ट्री बदल गई। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनने का ऑफर दिया। ऐसा उन्होंने अपने करीबी एडवाइजर्स की राय पर किया था। उन्हें लगा कि चूंकि हिटलर ने उनके अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, तो अगर वो आगे रह के हिटलर को चांसलर अपॉइंट करते हैं तो इससे एक नेशनल यूनिटी का मैसेज जाएगा, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। और शायद ऐसा करने से नाजी पार्टी के जो पैरामिलिट्री विंग वाले वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी वायलेंस कम कर देंगे। 30th जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। अब 1933 जर्मनी के लिए बहुत ही इवेंटफुल साल रहा। नाजी पार्टी के पैरामिलिट्री विंग ने वायलेंस तो कम किया नहीं, उल्टा हिटलर के पास अब गवर्नमेंट पावर्स भी थी, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से इन पैरामिलिट्री वॉलंटियर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस सब के चलते फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट या राइक्सटैग या राइशटैग में आग लग जाती है। आग लगाने का इल्जाम जाता है कम्युनिस्ट पर और इसे एक कम्युनिस्ट अपराइजिंग की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो खैर ऊपर वाले ही जाने, लेकिन इस इंसिडेंट का सबसे ज्यादा फायदा हिटलर को ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आग के बाद हिटलर ने प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग से बहुत सारे इमरजेंसी पावर्स ले लिए। उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट खतरे में। हिटलर के पास सारी गवर्नमेंट बॉडीज थी, पुलिस थी और नाजी पैरामिलिट्री तो थी। ऐसे में अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को डरा धमका कर, अपने प्रोपोगेंडा को फैलाकर मार्च 1933 के इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी 44% वोट्स लेकर आती, और अब हिटलर को डेमोक्रेटिकली चांसलर बनने से कोई रोक नहीं सकता था। पिछली बार तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, बट अब वो इलेक्शन भी जीत चुका। इसके बाद हिटलर प्रेस की फ्रीडम खत्म कर देता है, राइवल्स और ओपोनेंट्स को खत्म कर दिया जाता है, एंटी ज्यूइश लॉस पास होते हैं। जुलाई 1933 आते आते बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाता है और हिटलर की नाजी पार्टी एकमात्र जर्मन पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह जाती है। इसके नेक्स्ट ईयर 1934 में दो ऐसी चीजें हुई जिससे यह प्रूव होता है कि इस किताब का नाम डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एकदम सही है। पहला तो ये कि जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, उनकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हो जाती है, वो 86 ईयर्स के थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद नाजी गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए ही नहीं। हिटलर एज ए चांसलर वाज होल्डिंग द हाईएस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ जर्मनी, और हिटलर के पहले जो चांसलर थे वॉन श्लाइचर, नाजी पार्टी के पैरामिलिट्री वॉलंटियर्स उनका मर्डर कर देते हैं। हिटलर अब जर्मनी का डी फैक्टो डिक्टेटर हो चुका था। प्रेसिडेंट कोई था नहीं, अपोजिशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, इसलिए इलेक्शंस की भी कोई जरूरत थी नहीं, एंड दिस वॉज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर के डिक्टेटर बनने के बाद कितना वॉयलेंस हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, वो सब तो इस बुक के स्कोप के बाहर है, क्योंकि यहाँ फोकस सिर्फ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी पर है, करीब 60 लाख ज्यूज की डेथ पर नहीं जो नाजी जर्मनी में हुई। इसके अलावा इस किताब में जोसेफ गोबेल्स का भी अच्छा खासा जिक्र है। गोबेल्स हिटलर के अंडर पब्लिक इनलाइटनमेंट एंड प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुई हो तो मैं फिर से बताता हूँ, हिटलर की गवर्नमेंट में एक पब्लिक इनलाइटनमेंट एंड प्रोपोगेंडा की पूरी मिनिस्ट्री थी, लेकिन सिर्फ प्रोपोगेंडा अकेले डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर सकता। हिटलर के चांसलर बनने में बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे वर्ल्ड वॉर वन की हार के बाद जर्मनी के ऊपर
जो कंडीशंस थोपी गई थी वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैड जर्मन इकोनॉमी। 1930s में हिटलर को वोट देने वाले जर्मन्स, उन्होंने भी शायद ये कभी सोचा नहीं होगा कि हिटलर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके खुद डिक्टेटर बन जाएगा। लेकिन हम लोग जो ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम इससे सीख ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो इसकी Amazon एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही अगर आपको और भी बुक्स के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो उसकी प्लेलिस्ट और मेरी पसंदीदा बुक्स की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।